हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मैथमेटिक्स के ऑफिशियल मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इंटरमीडिएट का सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आपके नए पैटर्न के आधार पर आपके एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें से दोस्तों आपको 50 का ही क्या करना है, आंसर देना है। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके हम लोग जो है सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर किस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर आपका जो है हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है पूछ रहे कि यदि किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार हो कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो संबंध आर कहलाता है। तो आपको जो है संबंध आर क्या कहलाएगा ये दोस्तों आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक का जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्वतुल्य। इसके बाद जो दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा जहाँ पर दोस्तों आपका एक्स बिलोंग्स माइनस वन कॉमा प्लस वन, जहाँ पर आपका जो एक्स जो दोस्तों बिलोंग्स कर रहा है माइनस वन कॉमा प्लस वन के। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक फार्मूला है, यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार अगर आपका आंसर देखा जाए तो दोस्तों आपको बता दें कि एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये आपका दोस्तों एक क्या होता है, फार्मूला होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो है आपका कॉस इनवर्स एक्स को बाएं रखना है, तो कॉस इनवर्स एक्स एक्स आपका दोस्तों क्या रहेगा, बाएं रहेगा, उधर आपका पाई बाई क्या है दोस्तों, टू है। और साइन इनवर्स एक्स को अगर आप बाएं से दाहिने भेजेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका आंसर जो बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा दोस्तों आपका डी, यानी कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो तीन नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, तो ये भी दोस्तों आपका एक फार्मूला ही है। तो यहां और जहां पर आपको बोला जा रहा है कि एक्स इंटू वाई जो है वो लेस देन वन है, तो ये भी दोस्तों एक आपका फार्मूला ही है जो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, यानी कि ये किसके बराबर होगा। तो तीन का जो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो चार नंबर क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है एक मैट्रिक्स यहाँ पर दे दिया गया डिटरमिनेंट, और उसका जो है वैल्यू क्या होगा इस डिटरमिनेंट का, ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका चार का सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा सी, क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी जानते होंगे कि डिटरमिनेंट्स को कैसे जो है सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आठ को जैसे आप तीन से गुना करेंगे तो आठ तरीके कितना होगा दोस्तों, चौबीस हो जाएगा, और आप नौ को दो से गुना करेंगे तो नौ दुना कितना होगा दोस्तों, अट्ठारह होगा। तो चौबीस में से दोस्तों आप क्या करेंगे, अठारह घटाएंगे, तो आपका जो आंसर है जो दोस्तों हो जाएगा वो छः। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पाँच नंबर क्वेश्चन है डिटरमिनेंट से ही है, आपको बताना है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट पी फोर और क्यू फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये आपको बताना है कि ये जो है ये जीरो कब होगा, ये जीरो के बराबर कब होगा, ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पाँच का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि फोर पी माइनस फाइव क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, आप गुना करेंगे आप इसको और इसको गुना करके घटाएंगे, और तब अगर वैल्यू जीरो आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो छः नंबर क्वेश्चन है, छः नंबर क्वेश्चन में भी दोस्तों आपका डिटरमिनेंट ही क्या किया गया है,
दिया गया है और इसको आपको जो है सॉल्व करके बताना है कि भाई इसका जो सोल्यूशन होगा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अब इसको जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 126 आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपको क्या किया गया है, बोला गया है कि यदि आई इज इक्वल्स टू, आपको मैट्रिक्स दिया गया है 1001, तो आई क्यू का वैल्यू क्या होगा, आई क्यू बराबर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैट्रिक्स का अगर आप पावर करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स आई, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए आपको आई दिया गया है और उसका भी स्क्वायर करना हो या फिर क्यू करना हो या फिर कुछ भी करना हो या कि पावर में 4 लगाना हो, तो आप उसके सभी एलिमेंट्स पे पावर लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, सभी एलिमेंट्स पे पावर लगाएंगे। तो 7 का यहाँ पर आपका जो इसे सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि आप अगर 1 का क्यू करेंगे तो भी 1 ही आएगा और 0 का क्यू करेंगे तो भी क्या होगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका 7 का जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन में भी आपका जो है मैट्रिक्स दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर जो है लिया गया आप लोग का 8 नंबर, 3 × x z y w, ये आपका एक मैट्रिक्स है और इसका इतना बराबर क्या होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना से आपको गुना करना है 3 से आपको गुना करना है, तो अंदर के सभी एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप एक्स को 3 से गुना करेंगे तो 3x, वाई को 3 से गुना करेंगे तो 3y, जेड को 3 से गुना करेंगे तो 3z और डब्लू को करेंगे तो 3w, 3w। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो मैट्रिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शून्य अव्यूह है, अव्यूह मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अव्यूह, तो जीरो मैट्रिक्स कौन है ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो 9 का जो दोस्तों आपका बी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, क्योंकि जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसका सभी एलिमेंट्स जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इस अनुसार आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है पूछा जा रहा है, एक इक्वेशन दे दिया गया है मैट्रिक्स का, आपको मैट्रिक्स का एक इक्वेशन क्या किया गया है आपको यहाँ पर दे दिया गया है, 5 × x3 2 5 + 3 × 1 2 − 3 y = ये आपका जो है 23, 21, 1 और 52, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और x कॉमा वाई का वैल्यू क्या होगा ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 से सभी को गुना कर लेंगे, फिर इस 3 से सभी को क्या कर लेंगे, सभी एलिमेंट्स को गुना करेंगे और जोड़ देंगे, बाद में क्या करेंगे इसको क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, दोनों को बराबर करके अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का क्या मेथड है, सभी एलिमेंट्स को सभी के क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग बराबर करते हैं। जो एलिमेंट जैसे आपका ये मान लीजिए, तो ये होगा किसके बराबर दोस्तों, इसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ऐसे आप सॉल्व करना जानते भी होंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपके सिलेबस का एक। तो आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको x कॉमा वाई का जो दोस्तों वैल्यू मिलेगा वो 10 का यहाँ पर आपका क्या होगा, a हो जाएगा सही आंसर। x इसका मतलब है कि x का वैल्यू 4 हो जाएगा और y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रही है कि dy/dx 5x2, यानी कि 5x2 का आपको डिफरेंशिएशन बताना है। क्या बताना है दोस्तों, 5x2 का आपको डिफरेंशिएशन क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 11 का जो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसे ही आप 5x2 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 10x। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको जो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 12 नंबर में भी डिफरेंशिएशन ही करना है, किसका, sin 3x / 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो 12 का यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 3 cos 3x। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंशिएशन ही बताना है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं dy/dx e^2x, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों जो e का पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e का पावर क्या होता है, x होता है, और यहाँ पर जो आपका 2x का किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो 13 का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपसे फिर जो है डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कैलकुलस एक आपका जो मैथमेटिक्स का जो आपका ब्रांच है कैलकुलस, आपको सभी को पता होगा। और आपको बता दें कि कैलकुलस के अंदर से बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो हम आपको बता रहे हैं कि कैलकुलस जो आपका चैप्टर है उसे टोटल 44 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं बिहार बोर्ड से, जो आपका इंटरमीडिएट एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम उसमें। तो आपको कैलकुलस में आपका आता क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये आता है, तो यहाँ से तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आपका फिर से जो हम देखने जा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा फिर आपको डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू एक्स इज इक्वल टू, तो आपको बताना है कि कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर 14 का आपका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पहले तो आप करेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है दोस्तों वो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और फिर 2x का करेंगे तो 2 का क्या होगा दोस्तों, 2x का 2 होगा, तो इस तरह से माइनस 2 साइन 2x आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि डी बाई डी एक्स यानी कि फिर से डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स, आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो 15 का फिर से यहाँ पर आपका सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम आपको बताए साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और ई के पावर एक्स का दोस्तों हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई का पावर एक्स ही होता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग टू एक्स यानी कि लॉग टू एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपको क्या करना है बताना है। तो 16 का यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 1/2x, क्योंकि दोस्तों लॉग एक्स का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, याद रखेंगे आप लोग log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो log 2x का 1/2x हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा फिर से आपको डिफरेंशिएशन ही बताना है, जैसा कि आपको जो ऑफिशियल मॉडल सेट में क्या किया गया है, जारी भी किया गया है, बताना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर कॉस एक्स। तो यहाँ पर दो स्टेप में दोस्तों डिफरेंशिएशन बनेगा, दो स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो आप e का पावर cos x का बनाएंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे किसको, cos x को। तो 17 का यहाँ पर दोस्तों आपका b ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जब e के पावर cos x का करेंगे तो e के पावर cos x ही होगा, फिर आप cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई का पावर cos x, ये आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है d बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर 2x वेयर जो आपका a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 है, a 0 से बराबर है, बड़ा है, तो आपको क्या करना है, ए का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 18 का ए ऑप्शन यहाँ का जो है आपका सही हो जाएगा, 2a का पावर क्या होगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा कॉमा y इक्वल्स टू a sin थीटा, तो आपको बताना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू तब क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 19 का जो दोस्तों आपका b ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, माइनस cos थीटा। इसके बाद आपका जो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स का पावर 20 इज इक्वल्स टू, तो 20 का जो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 20x का पावर 19। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।